दोस्तों, जब अजीब तरह के खाने के खाने को बात होती है तो चाइना हमेशा नंबर वन पोजीशन पे देखा जाता है, और यह चाइना ही है जिसके कारण आज पूरी दुनिया परेशान है। दोस्तों, कोरोना वायरस जिसने आज पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, इसका कारण चाइना में उल्टा सीधा खाने के ही वजह को बताया जाता है। और एक थ्योरी के अनुसार कोरोना वायरस की वजह एक सांप ने किसी चंगादड़ को खा लिया था, और बाद में उस सांप को किसी चाइनीज द्वारा खाया गया, जिसकी वजह से यह वायरस फैला। तो इसलिए आज हम यह वीडियो लाए हैं कि आप जान पाए कि यह चाइनीज लोग और क्या क्या खाते हैं, और जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वह भी यह बड़े चाप से खा जाते हैं। तो दोस्तों, आप बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो पूरी देखोगे तभी तो आप इन चाइनीज को कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी गालियां दोगे। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, हमारे लिस्ट की पहली वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और यह चाइना की किसी प्रोविंस की है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे यह आदमी एक बड़े सांप का सूप बना रहा है। पहले तो इस आदमी ने इस बड़े सांप को अच्छे से धोया, फिर उसने इस सांप को छोटे छोटे पीसेस में काटा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो डिस्टर्बिंग लग रही है तो आप प्लीज इस वीडियो को मत देखो। और अगर आप इस वीडियो को खाना खाते देख रहे हो तो पहले खाना खा ले, उसके बाद वीडियो देखना, क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपकी भूख ही मर जाए। यह बात जान के आप चौंक जाएंगे कि चाइना में एक समय में सांप की डिश बहुत ही लग्जरी डिश मानी जाती थी, और यह डिश सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ सांपों की डिश के दाम में गिरावट आई, और यह डिश मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड करने लगे। आपको बता दें कि चाइना में सांपों की खाने की वजह यह है कि यह लोग मानते हैं कि सांपों को खाने या उसका सूप पीने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और साथ ही कई बीमारी से बचे रहते हैं। लेकिन कोई इन मन बुद्धि को बताओ कि आज इन्हीं सांपों की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। दोस्तों, अगर आप सी फूड खाना पसंद करते हैं तो आप जानते होंगे कि ब्लोफिश खाना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप यह ना भूले कि हम चाइनीज की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ब्लोफिश और प्यूपर फिश यह दोनों दुनिया की सबसे जहरीली क्रीचर में से एक है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक तरह का जहर बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस जहर को टेट्रोसिन कहते हैं। दोस्तों, यह जहर कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक बूंद में 30 लोग आराम से मौत की नींद सो सकते हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। तो सवाल है कि यह लोग क्यों इन जीवों को खाते हैं, क्योंकि इस फिश को वही लोग बना सकते हैं जो इसमें मास्टर हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और गलती की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, बात करते हैं अब बिच्छुओं की, क्योंकि इन बिच्छुओं का इन चाइनीज ने जीना ही हराम कर दिया है। क्योंकि बिच्छू आपको चाइना में फ्राइड भी मिल जाएगा, ग्रिल्ड भी मिल जाएगा, और अगर जिंदा खाना हो तो वो भी मिल जाएगा। कई लोग जब उन्होंने किसी बिच्छू को खाया तो उन्होंने इसका टेस्ट कंपेयर किसी गटर से आ रहे बदबू से किया। तो चाइनीज लोग इसे क्यों खाते हैं, अब यह तो भगवान ही बता सकते हैं। चीनी लोग बिच्छुओं को दारू के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिच्छुओं को चाइनीज में किसी घर में नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे पकाने की परमिशन सिर्फ रेस्टोरेंट को दी है। दोस्तों, यह देखो, मगरमच्छ भी हमारे लिस्ट में है। वीडियो बनाने से पहले मुझे यह लगता था कि मगरमच्छ उन जानवरों में आता है जो इंसानों को खा सकता है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, चाइना में आप मगरमच्छ को भी खा सकते हैं। अगर दोस्तों आप कभी इसे ट्राई करने की सोच रहे हैं तो यह जरूर चेक कर ले कि यह अच्छे से पका हो, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, यह कच्चा भी आपको दे सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि मगरमच्छ इन्हें चिकन की तरह लगता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चिकन की तरह लगता है तो भाई चिकन ही खाओ ना। चलिए आपको बताते हैं कि आपको चाइना में मगरमच्छ की कौन कौन सी डिश मिल जाएगी। आपको चाइना में क्रोकोडाइल कड़ी, ग्रेवी, तंदूरी क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल सूप भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप कभी रोजमर्रे के खाना खा खा के बोर हो गए हो तो आप सनाची नाम के डिश को ट्राई कर सकते हैं।
दोस्तों इस डिश से तरोताज़ा डिश आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट में इस डिश में जिंदा जीभ पे ही मसाला डालकर सर्व कर दिया जाता है। तो इस डिश को खाने के बाद अगर आपको यह लगे कि आपके मुंह के अंदर या पेट के अंदर कुछ चल रहा है तो डरना मत, क्योंकि वो तो आपका फूड है। दोस्तों चाइना में ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें इन जिंदा ऑक्टोपस को खाने के कारण या गले में अटक जाते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और कुछ तो मौत का शिकार भी हुए हैं। दोस्तों अब इसे देखो, यह एक विशाल रेनबो लॉबस्टर। इसे रेनबो लॉबस्टर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसके शरीर का रेनबो कलर देख सकते हैं। लॉबस्टर का डिश चाइना, जापान और थाईलैंड देश में बहुत महंगा बिकता है। दोस्तों इस डिश को ट्राई करने के लिए आपको 40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।